हेलो फ्रेंड्स, और एक नया वीडियो में आप लोग का स्वागत है। FIH हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि आज 17 जुलाई है। आज खेला जाएगा FIH हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। ये जो फाइनल मैच होगा, कौन सा दो टीम फाइनल मैच खेलेंगे, उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो ये जो फाइनल मैच होने वाला है, जो दो टीम सेमीफाइनल में विनर रहे हैं उन्हीं के बीच होगा ये मैच। तो उसके ऊपर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। FIH हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप में अब तक 42 मैच खत्म हो चुका है। कल यानी कि 16 जुलाई था, दो सेमीफाइनल मैच हुआ। ये जो दो सेमीफाइनल मैच हुआ, उनसे जो दो विनर टीम रहे, वही विनर टीम खेलेंगे फाइनल मैच। तो ये जो दो सेमीफाइनल मैच हुआ, पहला मैच था नेदरलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच, और दूसरा सेमीफाइनल मैच रहा जर्मनी वर्सेस अर्जेंटीना के बीच। तो कल जो पहला सेमीफाइनल मैच हुआ नेदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, दोनों टीम मैच खेलने के लिए स्पेन के टेरास में उतरे, और पहले हाफ तक दोनों तरफ से कोई गोल नहीं हो पाया। लेकिन हाफ टाइम के बाद नेदरलैंड ने अपना दमदार प्रदर्शन करते हुए एक गोल दागकर बढ़त बना लिया, और जब तक मैच खत्म हो तब तक ऑस्ट्रेलिया कोई एक भी गोल नहीं दाग पाया। इसीलिए ये मैच नेदरलैंड ने 1-0 से जीत लिया है। इसके साथ 13वीं बार नेदरलैंड FIH हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप की फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल मैच हुआ जर्मनी वर्सेस अर्जेंटीना के बीच। ये मैच बड़ा रोचक रहा। ये मैच स्पेन की टेरास में खेला गया। तो दोनों टीम मैच खेलने के लिए मैदान में उतरे। दोनों तरफ से पहले हाफ तक जोरदार गोल दागने की कोशिश की गई, और जब तक हाफ टाइम खत्म हो तब तक अर्जेंटीना दो गोल दागे और जर्मनी सिर्फ एक ही गोल दाग पाया। दूसरे हाफ जब शुरू हुआ, दोनों तरफ से अटैकिंग मोड में खेल हुआ, और जब तक मैच खत्म हो तब तक जर्मनी और एक गोल दागे, अर्जेंटीना की तरफ से और कोई गोल नहीं हो पाया। इसीलिए ये मैच शूटआउट में गया, और यहीं से शूटआउट में इसका नतीजा आया, जिसमें अर्जेंटीना ने 4 गोल दागे और जर्मनी सिर्फ 2 ही दाग पाया। इसीलिए ये मैच को अर्जेंटीना ने 4-2 गोल से शॉर्ट आउट में विन किया। इसके साथ फाइनल मैच खेलने के लिए योग्य हुआ अर्जेंटीना वुमेन्स हॉकी टीम। अब आ गई फाइनल मैच की सूचना। आज 17 जुलाई है, आज खेला जाएगा दो मैच। तो पहला मैच होगा थर्ड और फोर्थ प्लेस के लिए मैच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जर्मनी के बीच मैच होगा, क्योंकि ये दोनों टीम सेमीफाइनल मैच में हारे हुए हैं। उन्हीं के बीच थर्ड और फोर्थ प्लेस के लिए मैच होने वाला है। तो FIH हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप की फाइनल मैच खेलेंगे दो सेमीफाइनल की विनर, यानी कि नेदरलैंड और अर्जेंटीना। टेरास में खेलेंगे फाइनल मैच, जो कि रात की 1 बजे होने वाला है। और नेदरलैंड ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया है, और ये जो नेदरलैंड है 8 बार टाइटल जीता हुआ है वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप का, और 4 बार रनर्स अप रहा है। तो इस बार को मिलाकर 13 बार फाइनल पहुंच चुका है नेदरलैंड। दूसरा अर्जेंटीना भी इसको मिलाकर 6 बार फाइनल में पहुंचा है, 2 बार टाइटल जीता है और 3 बार रनर्स अप रहा है। वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप की बात की जाए तो 2018 में नेदरलैंड ने चैंपियन हुआ था। तो ये जो 2022 का जो मैच होगा नेदरलैंड वर्सेस अर्जेंटीना के बीच, एक दमदार फाइनल मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों टीम ये चैंपियन होने में बड़ा दावेदार है।
क्योंकि पहले से ये दोनों टीम टाइटल जीते हैं, रनर्स अप भी हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अर्जेंटीना से नीदरलैंड थोड़ा आगे है, क्योंकि नीदरलैंड 8 बार टाइटल जीता हुआ है और अर्जेंटीना सिर्फ 2 बार टाइटल जीता हुआ है। तो कहीं ना कहीं अर्जेंटीना से थोड़ा आगे है नीदरलैंड वुमेन्स हॉकी टीम। लेकिन हॉकी में पहले से कुछ प्रेडिक्ट करना सही नहीं है, क्योंकि जो टीम अच्छा खेल रहा होगा कभी कभी वो पिछड़ जाता है, और जो पिछड़ा हुआ टीम वो अच्छा खेल प्रदर्शन कर लेता है। तो आज जो फाइनल मैच होगा, नीदरलैंड हो या अर्जेंटीना, जो भी टीम अच्छा मैच खेलेगा, अपने रणनीति को लेकर मैदान में प्रदर्शन करेगा, वही होगी एफआईएच हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का चैंपियन। तो आज एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, ऐसे हम आशा कर सकते हैं। तो एफआईएच हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप की आज है अंतिम दिन, यानी कि आज 17 जुलाई है, आज खेला जाएगा फाइनल मैच। इसके बारे में सूचना देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लग रहा है हमारा वीडियो आपको अच्छी लग रहा होगा। हमारा वीडियो आपको अच्छी लग रहा होगा तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अमरेंद्र लाइव ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से और एक नया वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।